हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से नया वीडियो बना के ड्राइंग करेंगे। कोरोना भाग रहा है, इसके पीछे एम्बुलेंस भाग रही है, ऐसी ड्राइंग में बनाने जा रहा हूँ। आप सब लोग लास्ट तक ड्राइंग कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, वो आप देखिए एंड एक दूसरे को भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पहले मैं एक मैंगो जैसा शेप ड्रॉ करूँगा, सी फॉर कैट का सी जैसा। फिर यहाँ आके यहाँ से थोड़ी कर्व लाइन कर दूँगा, फिर ये हो गया मैंगो जैसा शेप। यहाँ पे मैं आईज ड्रॉ कर दूँगा, जो करोना भाग रहा है इसकी दूसरी आँखें हैं, इनका ईयर्स है। एक कोरोना एक जगह स्ट्रेट नहीं हो सकता, ऊपर नीचे कहीं भी जहाँ पे भी वो टच हो गया वहाँ पे उसका ऊपर का पार्ट है वो अटक जाएगा, वहाँ पे वो कोरोना रुक जाएगा और आगे तो भागता ही जाएगा। तो इसको पकड़ने के लिए एम्बुलेंस पीछे पड़ी है, सबको पकड़ने पुलिस पीछे पड़ती है, यहाँ पे एम्बुलेंस पीछे पड़ी है कोरोना को पकड़ने के लिए। कोरोना का माउंट फ्लो किया मैंने, एक कार्टून बना रहा हूँ कोरोना का। यहाँ पे इसके दो नोस्ट्रिल, मैंने पूरी दुनिया में घंटा बजा लिया है ना, इसीलिए मैंने ये भी एक बेल जैसा थ्रो कर दिया है, बहुत बड़ी घंटी बजा रही है इसने पूरी दुनिया में। तो ये बेल थ्रो किया, एक कोरोना का जो सिंबल रसम जैसा है वो कर दिया है मैंने। और यहाँ पे इसकी टी शर्ट, ये दूसरा हैंड कोरोना का, ये उसका दूसरा पैर, अब ये कोरोना ड्रॉ हो गया, लेकिन कोरोना 19 है इसीलिए मैं 19 ड्रॉ करूँगा इसके टी शर्ट पे। अब हम कोरोना के पकड़ने के लिए जो पीछे पड़ी है एम्बुलेंस, तो वो भी ड्रॉ करेंगे। जैसे क्यूब ड्रॉ करते वैसे क्यूब टाइप का ड्रॉ कर लीजिए, क्यूबॉइड। यहाँ पे एक विंडो बना लीजिए, विंडो में ड्राइवर एम्बुलेंस चला रहा है और विंडो से देख रहा है कि कोरोना भाग रहा है। और साइड पे बैठा हुआ दूसरा एक इंसान भी देख रहा है कि कोरोना भाग रहा है। देखो देखो, और ये एम्बुलेंस का मेडिकल का जो सिंबल होता है रेड कलर का, तो वो ड्रॉ कर दिया। एम्बुलेंस पे जो लाइट होती है वो कर दी, इसके ऊपर साइरन बजाने का जो होता है वो भी ड्रॉ कर दिया। गाड़ी के टायर, व्हील, बच्चे जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आप लोग घर पे बैठ के ड्रॉ करना, ड्रॉ करोगे आपका टाइम भी जाएगा, ड्राइंग भी करोगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करते रहना, मैं नए नए वीडियो बनाते रहूँगा घर पे बैठ के। अभी अभी इतनी ड्राइंग मेरी हो गई है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इतने में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। और जो छोटे बच्चे हैं
और उसके ऊपर क्रेयॉन्स कलर कर सकते हैं, स्केच पेन की आउटलाइन करके, पहले स्केच पेन से आउटलाइन करना, फिर क्रेयॉन्स कलर करना, अपनी पसंद का, खुद की पसंद का कलर करना, क्योंकि सबने इमेजिन किया है कि कोरोना कैसा दिखता है। मैंने मेरे दिमाग से इमेजिन किया है कि ऐसा है और इधर भाग रहा है, तो आप अपनी पसंद का कलर करो। और ये पीछे उसको पकड़ने एम्बुलेंस भाग रही है, एम्बुलेंस का कलर तो वाइट ही होता है, इसलिए वो तो वाइट ही रहेगा, लेकिन कोरोना का कलर आप अपने मन से अपनी पसंद का कलर कर सकते हो। और कोरोना कैसे पूरे अर्थ पे भाग रहा है, पूरी दुनिया पे भाग रहा है, तो उसकी ड्राइंग मैंने की है। अच्छा, एक छोटा सा इधर एरोप्लेन भी ड्रॉ कर देता हूँ कि वो तो इंडिया में तो अदर कंट्री से ही आया है प्लेन में बैठ के, ना वो भी ड्रॉ कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो और आप कलर करना। बाकी जो बड़े बच्चे, इसके लिए मैं पेंटिंग करके यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आप पेंटिंग करना। सब लोग पूरी दुनिया में, सभी बच्चे घर पे बैठे हैं, सब लोग ड्राइंग ही ज़्यादातर कर रहे हैं। मैंने दूसरे वीडियो भी देखे, कितने न्यूज़ भी देखे, तो मेरा भी मन करा कि मुझे भी बच्चों के लिए ऐसी सब ड्राइंगें बनानी चाहिए, पेंटिंग करनी चाहिए, तो मैंने करनी शुरू की। अभी मैं येलो कलर ले रहा हूँ, ये येलो कलर पोस्टर कलर कर रहा हूँ मैं, तो उसके जितने भी सर्कल्स जैसे हैं ना, वहाँ पे मैंने येलो कलर किया है, ओवल है, सर्कल से जो ये कहीं पे भी टच होगा वो छोड़ के चला जाता है और दूसरे के अंदर स्प्रेड हो जाता है, वहाँ पे ग्रो होके दूसरे पे टच होके आगे आगे भागता रहता है, स्प्रेड होता रहता है, तो वो सब सर्कल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ऐसे। तो उसकी पूरी बॉडी पर ही ऐसा ओवल सर्कल जैसा होगा, जो कहीं पर टच हुआ सीढ़ियों पे, गाड़ी पे, आपके हाथ पे, स्टीयरिंग पे, तो वहाँ से टच आधा उसका जो होगा वो सर्कल छोड़ देगा और वहाँ पे स्प्रेड होगा और वो आगे आगे भागता रहेगा। अब मैं इनसाइड जो कलर है ना, वो रेड कलर कर रहा हूँ, ये सर्कल की इनसाइड जो कलर है वो। अब अपनी पसंद का कलर कर सकते हो, मैं मेरी पसंद का कलर करता हूँ, क्योंकि अभी तो इमेजिनेशन का काम है, अपने माइंड को इमेजिन करो फ्री टाइम में, डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम ड्राइंग करके। ऐसे नहीं बच्चे ही कर सकते, बड़े भी कर सकते हैं, कहीं ऐसे समझदार पेरेंट्स हैं वो खुद बच्चे को ड्रॉ करके दिखाते हैं कि बच्चों देखो ऐसे ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा है कि जो बच्चे के पीछे टाइम निकाल रहा है, बच्चे को ड्राइंग करके दिखाता है कि आप ऐसे करके ड्रॉ करो। इसके पीछे जो स्ट्रो जैसा दिखता है ना लाइन ऐसी, उसके अंदर मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ। अभी एक कार्टून बन जाएगा एक ऐसा अच्छा वाला, एक कोरोना का कार्टून देखो कैसे भाग रहा है, इसके पीछे एम्बुलेंस पड़ी है। ये खास करके जो चीज़ हमको देखती है, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है जो हमको नहीं दिखती, इसके लिए हम लोग वाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर ऐसा कलर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी ज़रा ब्लू कलर की इफ़ेक्ट आनी चाहिए तो ज़रा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं उसके फेस पे थोड़ा सा ब्लू कलर की आउटलाइन करके स्प्रे कर दूँगा। पहले मैं इसे आउटलाइन करूँगा, आउटलाइन करोगे ना तो क्या कलर आउट नहीं जाएगा, आपकी ड्राइंग बनेगी अच्छी, दिखेगी अच्छी। ओके,
ये उसका ईयर्स की तरह पड़ा है ना। हाँ बच्चों, ऐसे अच्छे से आउटलाइन कर देना फेस पे, फिर ब्रश को वाटर से धो लेना पहले, साफ कर लिया पानी से, फिर रफ रफ पे ज़रा सा टच करना, फिर ऐसे स्प्रेड कर दो, ब्रश से ही कलर को स्प्रेड कर दो। ओके, पानी कम हो जाए तो थोड़ा सा फिर ब्रश में पानी लेना, फिर टच करना, फिर ऐसे स्प्रेड करो कलर को। करना कैसे भाग रहा है, उसका फेस कैसा बन गया, कार्तन का मस्त बन गया है। अच्छा, उसकी नेक पे थोड़ा हल्का सा ब्लू कलर कर लेता हूँ। ओके, अच्छा इसकी टी शर्ट पे हम ऑरेंज कलर करते हैं। कलर तो सबकी प्यारी ही होती है, सब कोई भी कलर अपनी पसंद का कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कलर करूँगा ये कलर नहीं करूँगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, जो क्रेवंस कलर करने वाले बच्चे उसको पहले ही स्केच पेन कर देना, और जो बच्चे पेंटिंग करने वाले हैं उनको पहले स्केच पेन कभी नहीं करना, नहीं तो आपकी स्केच पेन स्प्रेड हो जाएगी। देखो ये करोना का कार्टून कितना मस्त लग रहा है। कल फेस पे ही मैंने आउटलाइन करके बॉर्डर इफेक्ट की है, यहाँ पे मैं ऐसे कलर बॉर्डर लाइन करके फिल कर देता हूँ, पूरा यूनिफॉर्म कलर करना तो आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा, इसका 19 नंबर लिखा है ना, वहाँ मैं जरा पर्पल कलर कर दिया था, पर्पल 19 पे। ये 9 मैंने इसीलिए लंबा किया है कि मेरा नाम से यू स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे यू हो जाएगा, इसलिए 19 किया है। अभी मैं एम्बुलेंस के अंदर जो फिगर ड्रॉ किया है इसके ऊपर आ गया हूँ ड्राइंग करने। कोरोना की तो पेंटिंग हो गई, अच्छी हो गई है, मस्त है, सही लग रहा है। कोरोना ड्राइंग में फाइन लगता है, हमारे पास आएगा तो फाइन नहीं है, हम डरते इससे, डरती खिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने ऑरेंज कलर लाइट लाइट कर दिया ताकि वो स्किन कलर जैसा दिखे, इसमें थोड़ा सा पानी ऑरेंज में ज़्यादा यूज़ करोगे तो स्किन कलर जैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, इसलिए कोई हो गया कम किया था। फिर थोड़ा डार्क करना होगा, रेड कर दो तो जो अंडर बैठा है ये,
प्लस का कलर रेड कर देते हैं, जो मेडिकल सिंबल बैठा है। टायर में ब्लैक कलर करना, लेकिन मैं बाद में करूँगा। तो मैं जो है अर्थ का जो कलर है ग्रीन कलर वो कर देता हूँ। जो मैं कलर भी यूज़ कर रहा हूँ वो पोस्टर कलर है। सब बच्चों को मेरी विनती है कि आप लोग घर पे बैठ के पेंटिंग बनाइए, ड्राइंग बनाइए, कलरिंग कीजिए, कुछ ना कुछ वर्क कीजिए। ऐसे नहीं कि बोर हो जाना है घर में बैठ के। घर में बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। अभी तो ज़माना बदल गया है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ड्राइंग करो, पढ़ो, लिखो, कुछ ना कुछ घर पे बैठ के हो सकता है। अभी पहले के जैसा नहीं है। अभी यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आ गया है तो चलो मैं भी आप लोगों को ऐसे तो नहीं मिल सकता, लेकिन ड्राइंग बजा के यूट्यूब पर डाल के ड्राइंग तो भेज सकता हूँ उन्हें कि आप सब देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई नई जो वीडियो बनती रहे वो आपकी तक पहुंचती रहे। और मुझे भी ज़रा पेंटिंग करने का मन हो गया, मैं भी करता रहूँ। पेंटिंग ऐसी चीज़ है, ड्राइंग ऐसी चीज़ में जिसमें आपकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है। जो सृजनात्मक शक्ति मतलब आपके मन से नई नई विचार शक्तियाँ वो बढ़ती रहती है, इसलिए ड्राइंग करनी चाहिए। ड्राइंग है म्यूजिक, जो भी कला है वो आपकी जो पसंद है वो, क्योंकि ऐसी चीज़ में आप अपना टाइम निकालोगे तो वो आपके लिए कुछ वेस्ट नहीं है, बेस्टी है। ज़्यादा कलर आ जाएगा ना तो आप थोड़ा सा ऐसे पानी लेके उसके ऊपर रफ रोड प्रेस कर दीजिए तो आपका पानी कम हो जाएगा। चाहोगे बेचारा टायर में मुझे ब्लैक कलर करना है। अच्छा, मैं सब पहले आउटलाइन कर देता हूँ। एरोप्लेन में कलर करना रह गया है, थोड़ा प्लेन में कलर कर ले। एरोप्लेन से तो ये आया हुआ है। मतलब इंडिया में सब ऐसा लग रहा है कि दूसरी कंट्री से आया, सच में मुझे भी नहीं पता है कहाँ से आया हो। सब लोग बोल रहे चीन से स्प्रेड हुआ है, चीन से स्प्रेड हुआ है, जहाँ से भी हुआ हो। लेकिन हमें हमारी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, घर पे बैठ के ही अपना काम करना चाहिए। देखो मैं ब्लैक पेन से आउटलाइन कर देता हूँ ताकि मेरी ड्राइंग अच्छे से क्लीन दिखने लगे। फर्स्ट मैं एम्बुलेंस को ही करता हूँ।
ये कोरोना वायरस भाग रहा है, हम उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े। क्रेयॉन्स कलर कर सकते हो टायर में से, मैंने ये पेन से ही कलर कर लिया है ब्लैक टायर का। मुझे तो करोने का कार्टून बहुत अच्छा लगा, मैंने जो बनाया मुझे लगता है एकदम परफेक्ट है। पेट्रा वैसे सरका लोगों अच्छे से करना, आउटलाइन अच्छे करना ताकि आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी दिखे। ये जो मैंने ओवर किया ना वो ऐसा दिखा रहा है कि करोना इतनी इतनी जगह पर घूम घूम के आया है, जहाँ वो पैर रखेगा जहाँ पे उसको हम टच करेंगे वहाँ पे वो रह जाएगा और हमारे साथ चलने से। इसीलिए हमें बार बार हैंड वॉश करना है ना, खेल क्या हो कुछ चीज छू क्या हो।
देखो बच्चे मेरी ड्राइंग तो बन गई है अच्छे से। आप लोग भी घर पे बैठ के ड्रॉ करो, कलर्स करो, ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी दिखे, अच्छी बने।